1944 में आज ही के दिन भारत के जाने माने तबला वादक लक्ष्मण नारायण सिंह उर्फ लच्छू महाराज का जन्म हुआ था। उन्होंने बनारस घराने की तबला बजाने की परंपरा को आगे बढ़ाया था। उनके कई शिष्य आज भी देश दुनिया में तबला बजाते हैं। लच्छू महाराज बेहद सादगी पसंद शख्स थे। वो किसी के कहने पर कभी तबला नहीं बजाया करते थे। उनका जब दिल किया तभी उंगलियां चलाईं। उन्होंने इमरजेंसी के दौरान जेल में तबला बजाकर अपना विरोध जताया था। लच्छू महाराज श्रोताओं की वाह और तालियों की गड़गड़ाहट को ही कलाकार का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मानते थे और इसलिए उन्होंने पद्मश्री लेने से इनकार कर दिया था। 1948 में आज एक दिन भारत की प्रसिद्ध अभिनेत्री और सांसद हेमा मालिनी का जन्म हुआ था। हेमा मालिनी बॉलीवुड की उन गिनी चुनी अभिनेत्रियों में से एक हैं जिनमें सौंदर्य और अभिनय का अनूठा संगम देखने को मिलता है। तमिल फिल्मों से अपने करियर की शुरुआत करने वाली हेमा मालिनी को ड्रीम गर्ल भी कहा जाता है। हेमा ने 150 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया जिनमें सीता और गीता, शोले, जॉनी मेरा नाम, अंदाज जैसी फिल्मों ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया। फिल्मों में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए 1999 में उन्हें फिल्म फेयर का लाइफटाइम अचीवमेंट और पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। वर्तमान में हेमा मालिनी मथुरा उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा सांसद हैं। आज ही के दिन 1996 में एक घातक घटना के बाद ब्रिटिश सरकार ने पिस्तौल और रिवॉल्वर पर पाबंदी लगा दी थी। स्कॉटलैंड के डनब्लेन इलाके में 13 मार्च को एक आदमी ने एक प्राइमरी स्कूल की व्यायाम शाला में घुसकर 16 छोटे छोटे बच्चों और उनके अध्यापक की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना की जांच में यह बात सामने आई कि ऐसी घटनाओं का पहले से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, जिसके बाद जांच समिति ने पिस्तौल रखने संबंधी नियमों को कड़ा करने की सिफारिश की थी। 1967 में आज ही के दिन वियतनाम युद्ध के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए लोक गायक जोन बेस को गिरफ्तार कर लिया गया था। अमेरिका में बॉस्टन से लेकर एटलांटा तक 30 से ज्यादा शहरों में युद्ध विरोधी प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हो गया था। कैलिफोर्निया के ऑकलैंड में 250 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों ने फौज में भर्ती होने जा रहे लोगों को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। इनमें जोन बेस भी शामिल थी। 1978 में पोलैंड के एक बिशप को पोप बनाया गया था। 4 वर्षों में पहली बार वेटिकन के ईसाई धर्मगुरुओं ने इतावली मूल की बजाय पोलिश व्यक्ति को पोप चुना था। क्राकोव के आर्च बिशप कार्डिनल कारोल वोयतयाला के पोप चुने जाने पर दुनिया भर में कैथोलिक समुदाय के लोग हैरान रह गए थे। इस प्रक्रिया में 2 दिन लगे और यह फैसला 8 मतों से हुआ। इसके बाद प्राचीन परंपरा के मुताबिक वेटिकन के सिस्टीन चैपल की छत से सफेद धुआं छोड़ा गया, जिसका अर्थ होता है कि पोप के पद का फैसला हो गया है। पोलैंड में रहने वाले इस पोप को बाद में पोप जॉन पॉल द्वितीय के नाम से जाना गया। 1987 में आज एक दिन पहली बार अमेरिका में गहरे उजाड़ कुएं में गिरी बच्ची को निकाले जाने की प्रक्रिया को लाखों लोगों ने टीवी पर देखा था। महज 18 महीने की एक बच्ची को अमेरिका के पैरामेडिक स्टाफ ने कुएं से बाहर निकालने में सफलता पाई थी। करीब 22 फीट की गहराई तक गिरने के बाद बच्ची एक जगह जाकर अटक गई। 2.5 दिनों तक बचाव दल, खनन विशेषज्ञ और स्थानीय स्वयंसेवियों के समूह ने बड़ी मुश्किलों से बच्ची को बचाया था। बेबी जेसिका को अस्पताल में देखने खुद अमेरिका के तत्कालीन उपराष्ट्रपति जॉर्ज बुश पहुंचे थे।